हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी। एंड आज आप लोग मेरा थंबनेल देख के ऑलरेडी समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में आप लोग को बताने वाली हूँ। एंड क्या ही बोलूँ मैं अभी, मतलब खुशी भी हो रही है, एक अंदर से डर डर भी लग रहा है। और मतलब इस घड़ी का कितने महीनों से, सालों से इंतज़ार कर रही हूँ मैं। एंड ऐसे ही आप लोग भी कर रहे होंगे ना इस घड़ी का इंतज़ार। एंड आज मुझे आप लोगों को बताने में मतलब खुशी भी हो रही है और मैं क्या ही बताऊँ, मिली जुली शब्द है मेरे पास में, लेकिन मैं नहीं बताना चाहती थी। नहीं बताने का कारण था कि आपको पता है कि शुरुआती जो दो तीन महीने होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, और घर वाले मानते हैं कि ऐसी बातें इतनी जल्दी बाहर नहीं बतानी चाहिए। तो मैंने सोचा था कि मैं 3 महीने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन आप लोग मुझ पे इतना बिलीव करते हैं। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप अगर गायन वैदा के बारे में बताते हो तो आपको आपकी जर्नी तो बतानी ही पड़ेगी, हमको कैसे पता चलेगा। तो ये सब सोच के मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। और फाइनली आई एम प्रेग्नेंट। एंड 28 फरवरी को मैंने अपना किट से टेस्ट किया था, 28 फरवरी का दिन था, एंड वो पॉजिटिव आया। और मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बहुत बार इतने फेलियर किट्स रहे हैं मेरे पास में, अभी तक है मेरे पास, नहीं भी तो 20 होंगे। तो वो मेरे पास किट्स हैं और मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इसमें कुछ पॉजिटिव आने वाला है। मैं उस दिन ड्यूटी में थी, मेरी इवनिंग शिफ्ट की ड्यूटी थी, एंड मुझे मेरा जो LMP था वो था 22 फरवरी, एंड नहीं आया क्योंकि मुझे पीरियड्स कभी मिस नहीं होते हैं। इनफैक्ट हर महीने की पीरियड्स मुझे 5 दिन पहले आती है, तो ये जो पीरियड्स मुझे मिस हुए तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ, क्योंकि PCOD माइनर थी मुझे, बट मुझे कभी पीरियड मिस नहीं हुआ। हाँ, पीरियड्स की लेंथ कम ज़रूर थी मेरी, तो मैंने फिर भी बहुत कैजुअल लिया, क्योंकि हर बार इतना नेगेटिव देखने के बाद में मुझे उम्मीद नहीं थी कि भैया ऐसा कुछ देखने मिलेगा। लेकिन उस दिन इवनिंग में मैंने सोचा कि चलो एक बार टेस्ट करके देखते हैं, क्या पता हो जाए। सिम्टम्स थे भी इसमें, लेकिन मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स में वो सिम्टम्स होती हैं, तो नहीं ध्यान दिया मैंने। एंड मैंने शाम में टेस्ट किया और वो टेस्ट पॉजिटिव आया। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सच है या झूठ है, या मैं सपना कोई देख रही हूँ सीरियसली। और उसके बाद मैंने फिर से टेस्ट किया, मैंने 2 टेस्ट किए थे उस दिन, और वो भी मेरा पॉजिटिव आया। फिर मैंने एक पर्सन से इस बात को शेयर किया, वो मेरी एक सब्सक्राइबर ही हैं, उनके साथ मैंने शेयर किया, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी, एंड ऑब्वियस सी बात है हैप्पी होगी ही। और मैंने मेरे हस्बैंड को नेक्स्ट डे बताया कि ये चीज़ें हैं। तो ये कुल मिला के ऐसी चीज़ें रही हैं, एंड नहीं शेयर करना था, नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर सोचा चलो अगर आप YouTube पे हो और आप अपनी जर्नी लोगों को बता रहे हो, हाउ टू गेट प्रेग्नेंट बता रहे हो, तो मेरे पर सबसे पहला क्वेश्चन आता था कि आप हुए क्या, आप नहीं हुए तो आप क्या बताते हो। इनफैक्ट बहुत लोगों ने तो मेरे बारे में बहुत सी बातें बोली, बट ठीक है यार, मैं माइंड नहीं करती हूँ, इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं ना हर बात पर जवाब देते हैं, तो लोग समझते हैं हाँ इसको फ़र्क पड़ता है, और एक होता है जो ठीक है बोलते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे। तो इसीलिए मैं भी अपना काम करते रहती हूँ हमेशा, और मैं आज तक आप लोगों को जो भी चीज़ें बता रही थी वो मैं अपनी नॉलेज पे, अपनी एजुकेशन पे बता रही थी। एंड अगर आप लोग मेरे वीडियोस को ये सोचते हो कि मैम बस ऐसे ही बता रही है, कोई मतलब नहीं इनका, और बस ऐसे मन किया कि मैंने वीडियो बनाना चालू कर दिया, तो ऐसा नहीं था गाइस। 1 साल पहले मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, लगभग 1 साल हो गया है, और मैंने गायनवेदा मेडिसिन लेना स्टार्ट किया था, और मैंने पहला वीडियो अपना बनाया था जब मैंने गायनवेदा की अनबॉक्सिंग की थी। एंड 5 महीने लिए, छोड़ दिया, फिर कुछ लिया, फिर कुछ लिया, 1 महीने से ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से वापस से मैं इस मेडिसिन को ले रही हूँ, क्योंकि जब मैं आप लोगों को बताया था उससे पहले से मैं गायनवेदा 10 दिन पहले से मैं लेना स्टार्ट कर दी थी।
तो मुझे मन करता है कि मैं अब आप लोगों को कुछ भी ना बताऊं, क्योंकि बहुत लोगों को ये बेकार की चीज़ें लगती, लगता है कि बस ये ऐसे ही बता रही हैं। और मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, और इसका भी बहुत लोगों ने मुझे मेरे लिए मजाक बनाया कि बस उठती है और वीडियो बना लेती हैं। तो मैं उनसे एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, वैसी महिलाओं से एंड वैसे लोगों से, कि किसी भी महिला का मजाक मत उड़ाइए, बहुत पेनफुल होता है ये, बहुत ज़्यादा। आज जब मुझे रिजल्ट मिला, तब मैं आप लोगों से इस बारे में बात करी कि बहुत पेनफुल होता है, तो मत बताइए ये चीज़ें, ऐसा मत बोलिए किसी के भी बारे में, कोई भी महिला के बारे में, क्योंकि वो किस सिचुएशन से गुजर रही होती है वो वही जानती है। और आपका इस तरीके से बोलना किसी भी महिला को बहुत ज्यादा रग तोड़ सकता है। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो किस ट्रॉमा से गुजर रही होती है, फील किया है मैंने। और उससे बड़ी बात कि उस चीज को फील करने के बावजूद हमेशा दूसरों को मोटिवेट किया कि मत टेंशन लीजिए, हो जाएगा हो जाएगा। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है इसके लिए कि आप उस चीजों से गुजर रहे होते हो और उसके बाद आप दूसरों को मोटिवेट करते हो। कह करके देखो एक बार कि खुद उस सिचुएशन में हो और दूसरों को सांत्वना दे रहे हो, नहीं होता है, पर मैंने किया है और मुझे प्राउड है खुद पे कि मैंने किया है। और मैं हमेशा सोचती थी कि जिस दिन मुझे रिजल्ट मिलेगा उस दिन बात करूंगी किसी भी औरत के साथ। और मैं मेडिकल फील्ड से थी, मेरा यूट्यूब पे आना गलत ये हुआ कि मैं अपने फील्ड को लेके आती, लेकिन मेरी गलती ये हुई कि मैंने गायर्वेदा अनबॉक्सिंग से अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो हाँ, आप लोग मुझे ये समझते रहे, अरे ये तो एक हमारी तरह ही है, बस लेडी है, पेशेंट है और इसने स्टार्ट कर दी। 8 साल पढ़ाई की है मैंने, तो वो पढ़ाई मेरी व्यर्थ नहीं थी। और लोग बोलने से पहले ना 1 मिनट सोचते नहीं है, मैं क्या है, आपको क्या लगता है कि मैं दूसरे वीडियोस नहीं बना सकती हूँ, बना सकती हूँ, है ना। लेकिन आप लोग कुछ लोग हैं, सब नहीं है, कि कुछ भी बोल देते हो, ये प्रेग्नेंट नहीं है, ये क्या बता रही है, ये ऐसी है, ये वो सी है। अरे किसी भी महिला को मत बोलिए ऐसा, क्या पता आपके साथ ऐसा हो जाए। आज मुझे रिजल्ट मिला है ना, सब महिलाओं को मिलेगा एक दिन रिजल्ट, जरूर मिलेगा, जब जिस चीज का वक्त आता है वो तभी मिलता है। लेकिन उसके लिए किसी को भी गलत बोलना, ब्लेम बोलना गलत बात होती है। और मैंने गायनोविदा के बारे में शुरू से बोला है, अच्छी भी बोलिए बुरी भी बोलिए, लेकिन जो भी बोला है सच बोला है। एक बहुत सी महिला मुझसे बोल रही थी, आप तो बोलते हो कि गायनोविदा लेने से पीरियड्स नहीं आते, आप अभी अच्छा बोल रहे हो। हाँ नहीं आते हैं, 2 से 3 महीना इसको लेने से दिक्कत होती है, मैं आज भी बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ही अच्छी है, होती है प्रॉब्लम। और यही प्रॉब्लम्स को देख के मैंने बंद कर दिया था ना मेडिसिन लेना, फिर मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मुझे कहीं कोई रास्ता नहीं दिखा। तो इसीलिए आप एक वीडियो पे किसी व्यक्ति को जज करते हो, अच्छी बातें करो, लेकिन जो मैं किसी के स्पॉन्सर वीडियो नहीं बना रही थी, है ना, कि मैं अच्छा बोलूँ मैं बुरा बोलूँ मुझे इसका उसको गलत बोलना है, नहीं, मैं जो सही था वही हमेशा बोलते आई हूँ। और अगर आपको मेरे वीडियो आगे भी देखने हैं ना, तो आपको सच सुनने ही मिलेगा मेरे चैनल पे, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ और ना मैं किसी को प्रमोट करती हूँ। और खैर छोड़िए, हाँ तो 28 फरवरी को मुझे रिजल्ट मिला, उसके बाद मैंने अपना जाके ब्लड HCG टेस्ट करवाया, ब्लड HCG टेस्ट कराया, इसमें मेरा पॉजिटिव आया। और आज हो गई 11-12 तारीख आई थी,
अब डॉक्टर से मिलूंगी जाके, अभी तक मैं डॉक्टर से मिली नहीं हूँ और मिलूंगी अब मैं डॉक्टर्स को जाके। वैसे फॉलिक एसिड एंड आयरन मैंने स्टार्ट कर दिया है एंड अभी सब मेडिसिंस मेरी बंद हो चुकी हैं और अब मेरी जर्नी भी मैं आपको साथ ही साथ दिखाऊंगी। और साथ ही साथ अगर आपको प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग टिप्स चाहिए, कैसे मैंने किया, मैंने कौन सा डाइट लिया, कौन सी एक्सरसाइज की, कैसे खान पान रखा, किस तरीके से मैंने अपनी दिनचर्या रखी, अगर आपको ये सब चीज़ जानना है एंड हर सिचुएशन में प्रेगनेंसी कैसे अचीव की जा सकती है ये जानना है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, आप लोग, आप सबसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि बिना किसी के बारे में जाने, बिना किसी को कमेंट्स ना करें। बहुत हर्ट होता है एक माँ बनना, एक विधवा को पति के लिए बोलना, ये चीज़ें ना इंसान को ट्रोमा दे सकती है ना। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, आपके साथ भी हो सकता होगा, आपके समाज के लोग आपके साथ ऐसा कर रहे होंगे, तो ऐसा मत बोलिए। YouTube पे आके वीडियो बनाना और ये चीज़, एक तो नॉलेज भी चाहिए, दूसरी बात आपको दिलेरी भी चाहिए, हर कोई नहीं कर लेता ये चीज़, तो किसी के ऊपर फिंगर मत उठाइए। और अब हाँ, जिस तरीके से मुझे गुड न्यूज़ मिली आपको भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए सही इंसान बनिए और उसके लिए जो भी मेडिसिन खा रहे हैं खाते रहिए। एंड इसके बारे में अगर जानना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। आगे मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी जर्नी दिखाऊंगी साथ ही साथ, तो बस दुआ कीजिएगा 9 महीने अच्छे से बीत जाए मेरे, है ना। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी।